हाय गाइस, मैं मोहम्मद आरिफ और जब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए नोटिस निकाला है, इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। तब से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर इसकी इलिजिबिलिटी के बारे में बता दीजिए, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दीजिए और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में बता दीजिए। तो ये वीडियो मैं डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक कभी भी एटीसी का एग्जाम दिया नहीं था और जिनको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल एक एक करके सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी कि एटीसी क्या होता है और एटीसी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जॉब का क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिस की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला, क्योंकि उसी नोटिस की वजह से तो सारी बातें आ रही हैं सामने। नोटिस की बात करें तो नोटिस में उन्होंने 5 बातें मेनली बताई हैं। पांचों पॉइंट्स को मैं एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले कि वो क्या क्या पांचों पॉइंट्स और उनका क्या मतलब। पहला पॉइंट है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं और एग्जाम लेने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नोटिस जारी किया है 2 अक्टूबर को, यानी कि या तो नोटिफिकेशन इस अक्टूबर मंथ में ही आ जाएगा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, या फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, उससे पहले या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। मैं गेस करके बता रहा हूं, अपने अंदाज से बता रहा हूं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो ये पहली बात कही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। दूसरी बात अपने नोटिस में क्या कहते हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि ये इंडिकेटिव है। देखो डरा भी दिया बाद में, कह रहे हैं कि ये इंडिकेटिव नोटिस है। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन लाएगा ही लाएगा, वैकेंसी लाएगा ही लाएगा। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहेगा तो वो वैकेंसी नहीं भी लाएगा। देखो ऐसा होता नहीं है, लिए एक लीगल जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, जो लीगल हमारे पास लैंग्वेज होती है, उसको यूज किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम केस कर दो मेरे ऊपर कि मैंने तो तैयारी कर ली, तुमने कहा था नोटिफिकेशन आएगा और तुमने अब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मुझे कंपेंसेट करो, मुझे मुआवजा दो इसका, मैंने तैयारी की, मेरा टाइम बर्बाद हुआ। तो इसके लिए लाइन लिख दी कि देखो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अगर चाहेंगे तो हम वापस भी ले सकते हैं और नहीं वैकेंसी लाना चाहेंगे तो नहीं भी लाएंगे। दूसरा पॉइंट तो ये था। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि सारे कैंडिडेट को एडवाइस किया कि आप करियर सेक्शन, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है AAI.AERO, उसका करियर सेक्शन बार बार देखते रहें, रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड को देखते रहें, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। गाइस तुम्हें वो सब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं बता दूं मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम करता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही हूं और अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूं और ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं ताकि तुम भी ऐसे ही एटीसी बन जाओ और एग्जाम को क्रैक कर पाओ, ठीक। 3 बातें हो गई। चौथी की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई क्वेरीज मत पूछना, ऐसा मत करना कि कल से ही तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फोन लगाना शुरू कर दो कि भाई बताओ कि एग्जाम कब होगा, भाई बताओ कि क्या सारी चीजें होंगी और क्या इसका सिलेबस होगा, सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि ये क्वेरीज इंटरटेन नहीं करेंगे, अभी हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अभी हम सिर्फ नोटिस दे रहे हैं, इंडिकेटिव नोटिस दे रहे हैं। और लास्ट बात उन्होंने कही कि फेक रिक्रूटमेंट से बचे रहे, यानी कि किसी भी ऐसे रिक्रूटमेंट पर भरोसा नहीं करना है जो कि फेक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक रिक्रूटमेंट निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे नोटिस निकाल देते हैं और पैसा वैसा भी ठगी कर लेते हैं ना, उन सब के चक्कर में मत पड़ना। ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट आता है सबसे पहले तुम तक पहुंचाऊंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे तो कोई फेक रिक्रूटमेंट, कोई फेक चीज तुमको नहीं मिलेगी, सारी चीजों से तुम बचे रहोगे। ये तो बात हो गई उस नोट की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला। अब मैं जो कह रहा था कि इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होगी इस एग्जाम की, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं एलिजिबिलिटी को भी मैंने क्या किया है 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले बात करेंगे जेंडर एलिजिबिलिटी की। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स पूछती हैं कि क्या इसको गर्ल्स एग्जाम देती हैं, क्या एटीसी में भी गर्ल्स होती हैं? तो बिल्कुल एग्जाम देती हैं, एटीसी में भी गर्ल्स होती हैं और इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट है, यानी जेंडर की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके का जेंडर यहां पर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की जो एलिजिबिलिटी है गाइस, एजुकेशन की इनकी एलिजिबिलिटी ऐसी होती है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपके फिजिक्स और मैथ एज अ सब्जेक्ट हो, पहली चीज, या फिर आपने बीटेक किया हो, बीई किया हो, जितने भी पिछले रिक्रूटमेंट आए उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि बीटेक भी किया हो
तो वहां पर भी तुम्हारे जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथ तुम्हारे किसी ना किसी सेमेस्टर में होने चाहिए, लिखा होना चाहिए। ऐसे तुम्हारे पास जो मार्कशीट होगा मार्कशीट पे इंडिकेटेड होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स, ऐसे है ना। ऐसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा फिजिक्स का टच होता है या मैथ का टच होता है, तो हम समझते हैं कि हमने तो मैथ पढ़ी थी फिजिक्स पढ़ी थी, नहीं, बिल्कुल लिखा होना चाहिए, करेक्टली लिखा होना चाहिए फिजिक्स मैथ, तभी ये वैलिड माना जाएगा। पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये है। दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है 60% का, 60% का। सो इफ यू हैव लेस देन 60% मार्क्स यू आर नॉट एलिजिबल। और इफ यू हैव डन बीटेक और अदर डिग्री जहां पर आपके पास सीजीपीए होता है ना, जहां पे मार्क्स को परसेंटेज में नहीं बताते हैं सीजीपीए में बताते हैं, तो वहां पर भी चेक कर लेना कि तुम्हारा जो कन्वर्जन है मार्क्स को सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद 60% हो रहा है कि नहीं। ये कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट है ये भी आगे काम आता है अगर एग्जाम दोगे तो, ठीक है। ये हो गई दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तीसरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें है कि आपने जब क्लास 12th पास किया हो तो उसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। कोई भी डाउट होगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं सारी चीजें बता दूंगा और परेशान नहीं होना, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तीसरी बात करते हैं आप एज की, कि एज का क्या क्राइटेरिया है। देखो एज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकालता है वो निकालता है 27 ईयर्स फॉर ऑल, ठीक है। 27 ईयर्स के लिए सबका एज का क्राइटेरिया है कि इससे पहले के। अब 27 ईयर्स कहां से काउंट होगा, जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे और जिस दिन वो नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो खत्म हो रही होगी, जैसे कि भी पिछले एग्जाम में देखा गया है कि 4 सितंबर को कॉमन कैडर का एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था, तो उस डेट को उन्होंने कट ऑफ डेट बनाया था। तो जब भी वो एग्जाम, जब भी वो डेट निकालेंगे उस हिसाब से वो कट ऑफ डेट एक डिसाइड करते हैं, जिस डेट के पहले तुम 27 से कम होने चाहिए उस डेट को 27 के नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 28 के हो गए, ठीक है, तो यहां पे नहीं होगा वैलिड। लेकिन ये 27 वाले क्राइटेरिया में भी एक फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा यहां पर है, अगर आपकी कैटेगरी है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपकी एज 27 प्लस भी होगी तो भी आपको फायदा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद करते हैं बात फिजिकल क्राइटेरिया की, कि क्या फिजिकल कोई क्राइटेरिया होता है, हाइट का कोई क्राइटेरिया होता है, वेट का कोई क्राइटेरिया होता है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन क्राइटेरिया होता है आईज का और क्राइटेरिया होता है ईयर का। डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है, पहले चेक नहीं होता है, लेकिन ये मैंडेटरी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है आईज का, अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो आपके स्पेक्स के साथ आपका विजन जो होना चाहिए वो 6x6 होना चाहिए। जिनकी आंखें कमजोर उनको पता होगा कि 6x6 का मतलब क्या होता है, ठीक है। और आपका जो हियरिंग है विदाउट एनी एड, है ना, ऐसे मशीन लगा के नहीं, विदाउट एनी एड आपकी हियरिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। सारी की फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन रेंज की फ्रीक्वेंसी है जो हमको सुनाई देती है, ऑडिबल रेंज होती है, वो क्लियर होनी चाहिए। ईयर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, हियरिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और आईज अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, या तो आपकी आईज बिल्कुल ठीक है, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो 6x6 होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि एलिजिबल कौन होगा, इन सारे क्राइटेरियाज को जो फॉलो कर लेगा वो एलिजिबल है, ठीक। अब बात करते हैं, जो मैंने बात कही थी कि एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो जो लोग नए हैं उनको बता दो, एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है एग्जाम। एक पार्ट होता है पार्ट ए, जिसको हम कहते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन। जैसे कॉमन कैटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या आता है, क्वांट्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है। इसी तरीके से एटीसी के एग्जाम में पार्ट ए जो होगा, पार्ट ए में क्वांट होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जीएस होगी। क्वांट्स के तुम्हारे 15 क्वेश्चन आएंगे। जैसे फिर से मैं बता देता हूं, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 120 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और 120 ही मिनट्स मिलते हैं। 120 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस पार्ट ए में होते हैं, 60 क्वेश्चंस पार्ट बी में होते हैं। तो जो 60 क्वेश्चंस पार्ट ए में हैं, उन 60 क्वेश्चंस में से लिख लेना कहीं पर अगर याद ना रहे तो, 60 क्वेश्चंस में से क्वांट के कितने क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। और उसके अलावा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा तुमको जीएस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। गाइस एक बात की बहुत नाराजगी है मुझे तुमसे, वीडियो देख लेते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। रात के 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, एफर्ट डाल के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना मेरे
मेरी तुमको बद्दुआ लगेगी, ऐसे मत किया करो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे व्यूज तो आते हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई तुम्हारा नुकसान थोड़ी हो रहा है यार, है चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत अभी, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम जो आएगा वो बायलिंगुअल आएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश में आएगा हिंदी में आएगा, तो बायलिंगुअल एग्जाम आता है, इंग्लिश में भी आएगा क्वेश्चन और हिंदी में भी आएगा। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होगा पोर्शन उसमें सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ठीक है। उसमें मत कहना कि इंग्लिश वाला भी हिंदी में आएगा क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। देखो जैसे कॉमन कैडर में एक सिंगल एग्जाम होता है, ऐसे ही एटीसी में भी एक सिंगल एग्जाम है। बिल्कुल जो मैंने अभी पैटर्न बताया इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, चैनल से जुड़े रहोगे सारी की सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। डिटेल्ड वीडियो सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे कौन से चैप्टर को करना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा वेटेज आता है, किससे कम वेटेज आता है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारी चीजें मैं समझाऊंगा आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए जो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उसके लिए मैं बस इतना बता दूं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा है। बाकी सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत सारे टीयर्स होते हैं, टीयर वन टीयर टू राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री इंटरव्यू हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी तुम्हें मैंने बताया कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ये तुमने क्रैक कर लिया तो ये मान लो कि लगभग 90% काम तो तुम्हारा हो चुका है। जब कोई भी जो भी कट ऑफ निकल के आएगा कैंडिडेट सीबीटी क्लियर कर लेगा तो 2 से 2.5 times यानी 2 से 2.5 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसे मान लो कि 400 वैकेंसीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कई लोग पूछ रहे थे सर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, तो मुझे लगता है 300 से 400 वैकेंसीज आ सकती हैं। तो अगर 400 वैकेंसीज आती हैं तो लगभग 1000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखा जाता है, आपका जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली चीजें हैं, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं EWS SC ST OBC इन सबके सर्टिफिकेट्स लगते हैं, उसके अलावा भी और सारी चीजें होती हैं, आधार कार्ड ये वो, तो वो सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं। और उसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है जो कि मेरिट में नहीं आता, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन वो पास करना कंपलसरी है, और वो उसका नाम होता है वॉइस टेस्ट, आवाज का टेस्ट। यानी कि जब आप बोल रहे हो तो बोलते हुए लड़खड़ा तो नहीं रहे हो, है ना, किसी किसी का होता है स्टैमरिंग होती है ना, थोड़ा तो तोतलापन होता है आवाज में, तो वो तो नहीं है। क्योंकि एटीसी का जो काम होता है, जो जॉब रोल होता है, वो इस तरीके का होता है कि आपको लगातार किसी ना किसी से बातें करनी है, पायलट से बात करनी है, अपने एटीसी के बीच में बातें करनी है, तो अगर आपकी आवाज में लड़खड़ापन होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो समझने में आसानी ना हो तो वहां पर उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोगों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इवन कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो कि अगर 1000 लोगों को बुलाया, 1000 लोगों को वॉइस टेस्ट हुआ, तो मुश्किल से 3 से 5, 6, 8 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, जिनकी आवाज को समझने में दिक्कत होती है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इससे टेंशन में मत आ जाना कि वॉइस टेस्ट में क्या होगा, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है तुम्हारा वहां पर। नॉर्मली तुमसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो तुम बता दोगे मेरा नाम क्या है, वो बस ऐसे ही तुमसे बात करके, हल्की फुल्की बातें करके, और एक तो छोटा सा पैसेज पढ़वा के, पैसेज में भी बता दूंगा कि इंग्लिश में कौन सा पैसेज पढ़वाते हैं, तो वो पढ़वा के तुमसे बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जो वॉइस है वो क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना, है ना, कोई सामने से सुनेगा तो उसको पता लग जाएगा कि नहीं, तो ये चीज चेक होती है। तो वहां पर ये वाला भी टेस्ट होता है। तो तुम्हारा सीबीटी हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी दिन वॉइस टेस्ट भी हो जाता है, दिल्ली में होता है, ठीक है। तो ये एक इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सारे डाउट्स थे तुम्हारे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। आगे की वीडियो में डिटेल्ड में सारी चीजें और बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग लगभग 2 से 3 महीने तुम्हारे पास हैं। 2 से 3 महीने इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं जितनी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा अगर उतनी चीजें वैसे वैसे बहुत अच्छी मेहनत करके तुम करते चले जाओगे तो फिर तुम सिलेक्शन की रेस में बने रहोगे। बिल्कुल मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, और जब तुम भी मेहनत करोगे और मैं भी मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए तो सिलेक्शन दूर नहीं होगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी खासी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तैयारी शुरू कर दो, वेट मत करना नोटिफिकेशन आने का, तैयारी शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो। जो लोग वेट करेंगे वो फिर गए, है ना, वेट नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।